नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज ये पूरी इतिहास भारत की सीरीज चल रही है आधुनिक भारत की। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है चंपारण के बारे में और गांधी जी का किस तरीके से भारतीय राजनीति में जो आना होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के हर लिंक से जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में गांधी जी की राजनीति में सक्रियता के बारे में, कि भारत में उनकी राजनीति में सक्रियता किस तरीके से हुई और किस तरीके से उनका आना हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम बता चुके हैं आपको, उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने चंपारण में किया उसके बारे में ये बताया कि तीन कठिया पद्धति और नील की खेती को लेकर वहाँ पर विवाद था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उनको जो वहाँ के किसान थे मुख्य, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनके साथ मिलकर उस आंदोलन को अपने फेवर में किया। ऐसे यहाँ पे दूसरा एक आंदोलन था अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन। ये दोनों आंदोलन इसलिए हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट जो मैंने डिस्कस किया है, रॉलेट एक्ट में हुआ क्या था कि गांधी जी को जब पंजाब में बुलाया गया था तो वो अचानक नहीं बुलाया गया था, उससे पहले इनके ये आंदोलन सफल हो चुके थे। तो चंपारण के आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल के मुद्दे में हस्तक्षेप किया। यहाँ का मुद्दा क्या था, यहाँ का एक मेन देखिए, उस समय की जितनी भी कंडीशंस थी वो सभी लगभग हर जगह एक जैसी होती थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो किसी भी तरीके से भारतीयों के प्रति कोई भी किसी भी तरीके की अच्छी नीति तो अपनाते नहीं थे। उनको हमेशा जो भारतीय किसान थे या जो भारतीय मजदूर थे उनके साथ हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, और जितना ज़्यादा लगान हो सकता था, जितना ज़्यादा टैक्स वो ले सकते थे, इस तरीके की उनकी नीतियाँ थीं। तो जितने भी जो आंदोलन हुए वो सब इन्हीं नीतियों को लेकर हुए हैं। पूरा भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला है वो भी इसी नीतियों को लेकर चला, क्योंकि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थीं वो उसके लिए जिम्मेदार थी कि कितना बुरा व्यवहार वो भारतीयों के साथ करते थे। इसी में जब जो इसमें जो विवाद आया उसमें जो मिल मालिक थे, जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे और मजदूरों के बीच में, देखिए ये को इसमें क्या था कि प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। उस समय पर क्या था कि कुछ समय पहले प्लेग बहुत बुरी तरीके से फैला था, तो जब प्लेग फैला था तो उनको कुछ बोनस दिया जाता था, लेकिन बाद में इनसे क्या कहा गया कि हम तुम्हें बोनस नहीं देंगे। तो इस बात पर ये विवाद चला। अब इसको लेकर गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, तो जो मजदूर थे वो जो मिल के जितने भी मजदूर थे उनसे कहा गया कि भाई आप शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल पर चले जाएं। और इसमें एक चीज़ और भी थी इसमें, और गांधी जी ने उनसे कहा कि आप 35% बोनस की मांग करने के लिए कहा गया, परंतु मजदूर क्या थे, मजदूरों ने कहा कि नहीं हमें तो 50% भत्ते की मांग करनी पड़ेगी और हमें 50% भत्ता चाहिए। लेकिन गांधी जी के समर्थन में इस तरीके से जो ये कार हुए, तो गांधी जी जो आंदोलन था वो बहुत सक्रियता से और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। इसी समय पर पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। ये पहला उनका भूख हड़ताल वाला जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन्होंने इसका फैसला लिया। हड़ताल को देखते हुए जो मिल मालिक थे वो थोड़ा डर गए और उन्होंने क्या किया कि 20% भत्ता देने के लिए वो राजी हो गए। लेकिन गांधी जी की जो मांग थी, उनकी मांग ये थी कि भाई किसी भी तरीके से हमें 35% बोनस तो चाहिए ही है। अब गांधी जी के इसी समय पर, क्योंकि ये गुजरात की बात है तो वहाँ पर अहमदाबाद में क्या था कि पहली इनके दोस्त थे एक मित्र अम्बालाल साराभाई, जो कि वहाँ के एक मिल के मालिक थे एक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने इसको बिल्कुल भी पक्षधर अपने नहीं माना और उन्होंने कहा कि गांधी जी गलत कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहन थी अनसुईया बहन, इन्होंने आंदोलन में बहुत अच्छे से और बहुत सक्रियता निभाई। इन्होंने आगे भी गांधी जी के आंदोलनों में अपनी सक्रियता निभाई थी और आगे इसको आंदोलन को जारी रखा था। तो गांधी जी की सक्रियता को देखकर मजबूर होकर, जब गांधी जी इस बात पर अड़िग हो गए कि भाई मजदूरों को हर हालत में आपको 35% बोनस देना ही पड़ेगा, तो और भूख हड़ताल पर भी चले गए, तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसको इनके सामने झुकना पड़ा। और उन्होंने क्या किया, एक
ट्रिब्यूनल बना दिया। ट्रिब्यूनल का मतलब एक न्याय का ऐसा गठन कर दिया गया और निर्णय जो ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया वो निर्णय दिया मजदूरों के पक्ष में। इस तरीके से क्या हुआ कि मालिक जो थे वहाँ के उनको 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने के लिए वो राजी हो गए। तो गांधी जी का जो मुख्य दूसरा सबसे प्रमुख यहाँ पर एक ऐसा सत्याग्रह आंदोलन था जो दो आंदोलन इनके बिल्कुल सफलतापूर्वक हुए। अगला अगर हम देखें तो एक खेड़ा सत्याग्रह भी है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, होता क्या था, खेड़ा सत्याग्रह कैसे जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, जनरली ऐसा होता था कि अगर आपकी फसल किसी मौसम के चलते या जो कहते हैं भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, तो अगर मौसम के चलते आपकी फसल 1/4 हिस्से से कम बचती है या खराब, मतलब उसके अलावा जितनी भी है सब खराब हो जाती है, तो आपके सारे टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे, मतलब कोई भी कर आपसे नहीं लिया जाएगा। उस समय एक राजस्व संहिता थी उसमें ऐसा लिखा गया था ब्रिटिश सरकार के, लेकिन सरकार ऐसा कुछ मानती नहीं थी, चाहे फसल बिल्कुल ना हो, चाहे खेत बिक जाए, कुछ भी हो, आपको तो वो पेमेंट जो मतलब टैक्स लेती थी सरकार वो किसानों से उन्हें लेना ही था। ये पूरा आंदोलन उसी पे आधारित था। हुआ क्या था, वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के वही कारण होते थे कि मानसून दगा दे गया, कृषि हुई नहीं अच्छे से, तो क्या करेंगे किसान। तो किसानों की दृष्टि में फसल की चौथाई भी नहीं हुई थी, मतलब अब सोचिए पूरी फसल एक चौथाई भी नहीं हुई। स्थिति को देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी कि भाई जब इतनी फसल है और राजस्व संहिता में ऐसा लिखा है तो फसल की हमें माफ़ी मिलनी, मतलब कर्ज की माफ़ी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और किसानों से और ज़्यादा मालगुजारी वसूलने के लिए कोई छूट नहीं दी गई और उन पर अत्याचार किए जाने लगे कि किसी भी तरीके से आपको ये तो टैक्स देने ही पड़ेंगे। आप एक चीज़ सोचो, जब पैसा ही नहीं होगा किसानों के पास, कोई फसल नहीं हुई, वो कहाँ से पेमेंट देंगे। और वैसे ही इतनी नीतियाँ इतनी ख़राब थी सरकार की कि वो अपने ही जीवन यापन के लिए इतने परेशान रहते थे। अब हुआ इसमें क्या, गांधी जी ने इस समय पर एक मतलब बोला कि सत्याग्रह करने की सलाह दी उन लोगों को कि आप यहाँ पर सत्याग्रह करें। उसमें जो लोग स्वयंसेवी और कार्यकर्ता थे उन्होंने अपील की गई कि आप इस सत्याग्रह को शुरू करें, गांधी जी के नेतृत्व में ही इसको शुरू किया जाएगा। इसी समय पर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत छोड़कर वो इसी आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने एक और भी कुछ किया। उन्होंने क्या किया कि वो गांव-गांव घूमे, जितने भी गांव थे वहाँ पर उन सभी गांवों में घूमे और उनमें कहा और घोषणा की, लोगों से पत्रों पर साइन कराया, ये कहा गया कि आप टैक्स नहीं देंगे, मतलब आप लगान नहीं देंगे। तो जो वहाँ की जनता थी उसने इस बात पर एग्री कर लिया कि ठीक है हम लगान नहीं देंगे। उनके पास तो वैसे ही नहीं था, इसीलिए तो ये आंदोलन हुआ था, वरना आंदोलन होता ही क्यों। अगर जनता देने के लिए राजी होती तो ये आंदोलन नहीं होता। तो उस समय पर गांधी जी ने बस एक बात अच्छी बोली उस समय के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स के लिए ठीक थी कि जो अगर आप अपनी सारी इन जो लगान देने के सक्षम नहीं हैं, जिनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, जो आपको किसी भी तरीके से पैसा नहीं चुका सकते, उनको आप छूट दे दें। और हाँ, जो लोग तो जो लोग उसमें ऐसे होंगे कि जो दे सकते होंगे लगान को, जिनके पास हाँ मतलब लगान देने की क्षमता होगी, वो लोग अपने आप स्वतः ही लगान को भर देंगे। ये बात जब गांधी जी ने बोली, लेकिन इस बात पर सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। उसने क्या किया, उसने उनकी जो लोग थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, मतलब कुर्क कर ली, और वहाँ पर एक जो उनकी मवेशी थे या जो खेत थे उन सभी को उनसे छीन लिया गया। इस तरीके की दमनकारी सिचुएशन क्रिएट करी गई। और फिर उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है आंदोलन, इतना ज़्यादा हमारे लिए परेशानी की समस्या, मतलब हमारे लिए एक परेशानी खड़ी हो जाएगी, तब उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि गांधी जी ने एक फरमान जारी कर ही दिया था पहले यही कि अगर जो लोग सक्षम है वो अपने आप स्वतः दे देंगे, तो आप उनसे ज़बरदस्ती ना करें जो लोग इसको देने में सक्षम नहीं है। तो इस फरमान को अंग्रेजी शासन ने बाद में गुप्त रूप से जारी कर दिया और उनसे कहा गया कि लगान सिर्फ उन्हीं लोगों से लिया जाए जो लोग देने में सक्षम हैं। तो गांधी जी के इस आंदोलन का भी उद्देश्य पूरा हो गया था। ये जितने भी इनके आंदोलन थे गांधी जी के, वो सभी के सभी सत्याग्रह पर आधारित थे। आगे हम पूरा पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस थी, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, उस ये सारी घटनाएं हो गई थी, क्योंकि गांधी जी अपने किसी भी आंदोलन में जरा भी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इससे कई लोग उनसे रुष्ट भी हो गए थे बाद में,
फिर आगे धीमे धीमे चलकर एकता बनती है। तो ये पूरे फिर जो आगे के वीडियोस हैं उनमें हम सभी में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो गांधी जी के ये आंदोलन हुए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में मेंस के तौर पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए थे इनकी क्या क्या उपलब्धियां थीं। तो इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी को एक बात तो समझ में आ गई थी कि सत्याग्रह को, एक तो इन्होंने किस तरीके से सत्याग्रह हमारा चल सकता है, एक सत्याग्रह को जानने का इन्हें मौका मिल गया था कि आंदोलन हमारा किस तरीके से प्रभावी हो सकता है, और दूसरी बात ये कि पूरे देश की जनता इनके पीछे आ गई थी। मतलब ये पूरी देश की जनता में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। ये जनता की जो सहभागिता थी उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया इन आंदोलनों ने कि बिना जनता की सहायता के शायद हम किसी भी आंदोलन को या किसी भी जो भी हमारा उद्देश्य है, हम स्वराज की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जब तक कि जनता की भागीदारी नहीं होगी। तो ये उनको समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक और क्या था कि जनता की भागीदारी का मूल्यांकन करने में भी उनको आसानी हुई। वो समझ पाए कि जनता के कमजोर और मजबूत पक्ष क्या हैं, जनता कहाँ पर कमजोर होती है और कहाँ पर मजबूत है, इस चीज को भी उन्हें समझने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात एक और थी, गांधी जी इस समय पर भारत के या देश के हर एक वर्ग से जुड़कर उन्होंने इस चीज को समझा कि कौन सा वर्ग किस तरीके की किसको सहायता की आवश्यकता है और ये हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो पूरी की पूरी इन सब आंदोलनों में गांधी जी को युवा वर्ग का बहुत ही अधिक समर्थन प्राप्त हुआ था। ये जो आंदोलन थे तीनों, इन्हीं सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी को रॉलेट एक्ट के विरोध में बुलाया गया था। कहाँ पर? पंजाब में। क्योंकि रॉलेट एक्ट तो मैं अभी आगे वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगी कि रॉलेट एक्ट क्या था। एक अंधा कानून था जिसमें किसी को भी, हाँ, जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उसमें किसी को भी अगर संदेह है ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो केवल मजिस्ट्रेट को ऐसा अधिकार था कि संदेह के आधार पर ही वो उनको ले सकती थी। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। और लगातार कम से कम दिन में 1 से 2, 2.5 से 3 घंटे आप हर सब्जेक्ट को ज़रूर दें, जितना आपको लगता है। अगर आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से अगर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही सफल होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।